हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे पांच इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा विच विल हेल्प यू टू स्टे 100% कमिटेड टुवर्ड्स योर गोल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें एंड आई एम रियली श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। गोल्स, हम सब लोग अपने जीवन में किसी न किसी स्टेज पे बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे टारगेट सेट करते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट होते हैं, बट हम कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई गोल जरूर सेट करते हैं। बट क्या होता है कि जब हम गोल सेट करते हैं तब तो हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक रहते हैं, बहुत ही जोश में होते हैं। बट जैसे जैसे 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीतते हैं, हमारा जो कमिटमेंट लेवल होता है या हमारा जो एंथुजियाज्म होता है वो उतना नहीं रहता है जितना हमारा स्टार्टिंग में था। तो ऐसे में क्या होता है, हम अपने गोल से, हमारे टारगेट से डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर हम उसको सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाते। इवन जैसे अभी 2021 अभी स्टार्ट हुआ था, तो काफी लोगों ने स्टार्टिंग में कई न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिए होंगे, कई लोगों ने अपने हेल्थ से रिलेटेड रिजोल्यूशन लिए होंगे कि एक्सरसाइज करनी है, वेट लॉस करना है, किसी ने कोई नई हैबिट, अच्छी हैबिट डालने के लिए रिजोल्यूशन लिया होगा जैसे कि टू रीड अ बुक, या किसी ने अपनी कोई बैड हैबिट छोड़ने के लिए रिजोल्यूशन लिया होगा, और किसी ने अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ टारगेट बनाए होंगे। बट आज जब हमारे 2021 का 1 महीना खत्म हो गया है, अगर आज मैं पूछूं कि उनमें से कितने लोग उस गोल के लिए, उस टारगेट के लिए उतने ही कमिटेड हैं जितना कि वो पहले थे, तो मैं बहुत कम लोग, इवन 90% लोग ऐसे होंगे जो उतने कमिटेड नहीं होंगे, और कुछ लोगों ने तो अपने रिजोल्यूशन अभी तक तोड़ भी दिए होंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि हम उस गोल के लिए, टारगेट के लिए 100% कमिटेड नहीं रह पाते, या ऐसी हम चीजें क्या कर सकते हैं जिनको फॉलो करके हम अपने गोल, अपने टारगेट के लिए 100% कमिटेड रहें। तो इस वीडियो में उसी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, वो पांच आपको इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने गोल के लिए, आप अपने टारगेट के लिए 100% कमिटेड रहोगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो पहली जो टिप है, अगर आपको अपने गोल्स के लिए 100% कमिटेड रहना है, तो पहली चीज आपको करनी है, राइट योर गोल्स। देखो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी गोल सेट करते हैं तो उसको लिखते नहीं है। पहली चीज तो वो बस वर्बली अपने दिमाग में अपना गोल या टारगेट सेट कर लेते हैं, या अगर कुछ लोग लिखते भी हैं तो दे जस्ट राइट इट ऑन सम पीस ऑफ पेपर और उसके बाद दे लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट कि वो उन्होंने लिख के कहाँ रखा था। और यही जो है सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि अगर आपको किसी चीज के प्रति कमिटेड रहना है तो सबसे पहले आपको उसको लिखना पड़ेगा। आपने हमेशा से सुना होगा, लिखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है। जब आप वर्बली कुछ बोलते हो, आपका माइंड उतना याद नहीं रख पाता। तो जब भी आपको कोई गोल सेट करना है, तो सबसे पहली चीज आपको करनी है, एक जर्नल उठाओ, कोई डायरी उठाओ और अपने गोल्स को क्लियरली उसमें लिखो। जब आप क्लियरली उसको लिखोगे तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको याद रखने में आसानी रहेगी, और जब आप किसी चीज को लिखते हो तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। ओके, तो पहली चीज जो आपको करनी है इफ यू वॉन्ट टू स्टे 100% कमिटेड टुवर्ड्स योर गोल, कि आप जर्नल उठाओ, डायरी उठाओ और अपने गोल को क्लियरली उसमें लिखो कि व्हाट यू वांट टू अचीव। और जब आप उसको क्लियरली लिखोगे, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव दैट। तो पहली चीज आपको करनी है, राइट योर गोल्स क्लियरली और उसके बाद आप लिखो कि व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव दैट गोल। ये चीज आपको क्लियरली उस जर्नल और डायरी में लिखनी है। ओके, तो और रिसर्च में भी ये पता चला है कि अगर आप अपने गोल्स को लिखते हो तो उन गोल्स को अचीव करने के चांसेस 42% ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो पहली चीज आपको करनी है, राइट योर गोल्स क्लियरली और उसका प्लान ऑफ एक्शन भी लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप गोल्स नहीं लिखते हो सो इट्स नॉट अ गोल, देन इट्स जस्ट योर फैंटेसी और ये जस्ट आपकी विशेज रह जाती है। ओके, सो गोल्स विच आर नॉट रिटन आर मियर फैंटेसीज। जब आप लिखते हो तो जो आपकी विशेज होती है वो आपकी वॉन्ट्स बन जाती है, वॉन्ट्स आपका प्लान बनता है, प्लान आपका एक्शन बनता है, और एक्शन होता है तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको करनी है इफ यू वॉन्ट टू स्टे 100% कमिटेड, टेक अ जर्नल। तो मैं तो आपको कहूंगा कि जब ये वीडियो खत्म हो, जस्ट टेक अ जर्नल आउट
और उस डायरी को आप हमेशा अपने साथ रखो, उसमें अपने सारे गोल्स लिखो कि आपको क्या अचीव करना है, और उसका प्लान ऑफ एक्शन भी लिखो कि आपको कैसे अचीव करना है. सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. सो जैसा मैंने बोला कि 42% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यू विल अचीव योर गोल्स इफ यू राइट इट डाउन. अब जो सेकेंड स्टेप है टू स्टे 100% कमिटेड इज टू चेंज योर एनवायरमेंट. देखो, आप अगर कुछ अलग अचीव करना चाहते हो, कुछ गोल या टारगेट अचीव करना चाहते हो, तो उसमें आपको अपने आप में चेंज करना पड़ेगा, बट साथ ही आपको आपके आसपास के एनवायरमेंट में भी चेंज करना पड़ेगा. अगर आप सेम रूटीन फॉलो करके सेम चीजें करके अपने नए गोल नए लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, अगर आपको कुछ नया टारगेट नया गोल अचीव करना है, तो आपके अपने अपने रूटीन में अपने आप में और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने आसपास के एनवायरमेंट में भी चेंज करने पड़ेंगे. और उसमें कुछ मेरे सजेशन है कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. उसमें पहला है सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल. ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है, तो उसमें आपको अपने आप को लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहना बहुत जरूरी है. ऐसे लोगों के साथ आप रहना शुरू कीजिए जिनकी थॉट सेम है, जिनका गोल सेम है. और ताकि क्या होता है कि जब कभी टफ सिचुएशन आती है, तो ऐसे में वो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं. जैसे अगर अगर किसी ने न्यू ईयर में ये रिजोल्यूशन लिया था कि मुझे वेट लॉस करना है या डेली जिम जाना है, अगर वो अकेला ही जिम जा रहा है, देन आफ्टर फ्यू डेज क्या होता है कि ही स्टार्ट गिविंग अप. बट अगर दूसरा कोई ऐसा बंदा है जिसके दो तीन और फ्रेंड साथ में जा रहे हैं, देन देयर इज मोर चांसेस दैट दे विल स्टिक टुगेदर एंड दे विल अचीव देयर गोल बिकॉज दे आर कमिटेड टुवर्ड्स द सेम गोल. तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है, तो आपको ऐसे ही लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए, ऐसे ही लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो जिनके गोल सेम हैं या जो जिनकी सेम थिंकिंग है. ताकि वो आपको हेल्प कर सके फ्यूचर में इन केस इफ यू फील डीमोटिवेटेड. एंड टुगेदर यू कैन अचीव मोर. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सराउंड योरसेल्फ विद राइट पीपल. दूसरा चेंज जो आपको अपने एनवायरनमेंट में करना पड़ेगा वो है पुट योर गोल्स ऑलवेज इन साइट. देखो, जैसा मैंने बताया, सबसे पहले आपको गोल्स लिखना है, बट अगर आपने गोल्स अपने डायरी में लिख लिए फिर उस डायरी को साइड में कहीं रख दिया और उसको 10-15 दिन तक देखा ही नहीं, देन इट विल मेक नो सेंस. तो इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको अपने गोल्स को अपने साइट में रखना पड़ेगा. ठीक है, आपने उस डायरी में अपने गोल्स लिख लिए, वो आपकी प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए बहुत जरूरी है, बट जस्ट बाय चार्ट और शीट ऑफ पेपर, उसमें आप अपना गोल लिखो, और जहां भी ऐसी जगह जहां पे आप अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वेदर इट इज स्टडी रूम, वेदर इट इज योर डेस्क, या आपका लिविंग रूम, या जो भी जगह जहां पे आप मोस्ट ऑफ योर टाइम स्पेंड करते हो, उस शीट को वहां पे आप रखो, ताकि जब भी आप उठो या जब भी आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो उस जगह पे, तो आपको अपने सामने अपना गोल दिखे. और जब तक आपको अपने सामने अपना गोल दिखता रहेगा, आपकी माइंड को रिमाइंड होता रहेगा कि दिस इज व्हाट माय गोल इज एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव. सिर्फ अगर लिख के साइड में रखने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने दिमाग को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराना पड़ेगा. तो दूसरी चीज आपको चेंज करना है कि आपको एक चार्ट लेना है, आपको एक शीट लेनी है, यू नीड टू राइट इट डाउन. आप अपना गोल शीट पे भी लिखो और उसको अपनी वर्क डेस्क के सामने, अपनी स्टडी टेबल के सामने रखो, ताकि आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड होता रहे. और तीसरी चेंज जो आपको अपने एनवायरमेंट में करना पड़ेगा, कि देखो, जब भी आप स्टार्ट करते हो कोई भी नई चीज या कोई भी आप टारगेट सेट करते हो, तो उस टाइम आप अपने आप को सोचते हो कि अगर मैं अकम्प्लिश कर लूंगा तो कैसा रहेगा, तो उस सिचुएशन में अपने आप को फील करते हो, तो वो जो आपकी फीलिंग होती है ना, वो अकम्प्लिशमेंट वाली, वो भी आपको अपने आंखों के सामने हमेशा रखनी चाहिए. ताकि क्या होगा, वो आपको पॉजिटिविटी देती रहेगी. जब भी आप उस चीज को देखोगे, कोई भी ऐसा, या तो ऐसा कोट हो सकता है जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी देता रहे, या कोई भी ऐसा चीज हो सकती है जो आपको इंस्पायर करती रहे. जैसे अगर आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो, सो यू वांट टू बिकम अ सीए, राइट? तो सीए का लोगो अपने सामने रखो, ताकि आपको वो रहेगा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव. तो हाउ वुड आई लुक लाइक, जैसे जैसे मैं अगर अचीव कर लूंगा, अगर मैं सीए बन जाऊंगा या
जो भी मेरा टारगेट है, अगर मेरा टारगेट था कि मुझे वेट लॉस करना है, तो अगर मेरा वेट लॉस हो जाएगा तो मैं कैसा कैसा लगूंगा, तो वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट हमें अपने सामने रखनी है। ओके, तो ऐसे सक्सेस से रिलेटेड चीजें जो भी आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देती है, वो ऐसे कोई भी विजुअल्स हो सकते हैं, कोई इमेज हो सकती है, कोई कोट्स हो सकता है, उसको आप अपने सामने रखो। ओके, तो जब आप ऐसी चीजों को अपने सामने रखोगे, अपने गोल को अपने सामने रखोगे, तो आपका माइंड आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता रहेगा। और ऐसे अगर आप सक्सेसफुल विजुअल्स अपने सामने रखोगे तो आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी टू कीप यू 100% कमिटेड टुवर्ड्स योर गोल। ओके, तो आपको एनवायरमेंट में चेंज करना है तो उसमें सबसे पहले आपको राइट पीपल को, यू सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल, और फिर अपने आप गोल्स को रिमाइंड कराते रहो। तो पुट अ शीट, उसमें आपका गोल लिखो और अपनी वर्क डेस्क के सामने, अपनी स्टडी टेबल्स के सामने रखो, और सक्सेस के विजुअल अपने सामने रखो विच प्रोवाइड यू सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तीसरा है, और ये बहुत तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आपका जो भी टारगेट है वो लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म जो टारगेट है उसके लिए ये जो तीसरा पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। अगर आपने अपना कोई गोल या अपना कोई टारगेट ऐसा बनाया है जो अचीव करने में 6 महीने लगते हैं, 1 साल लगता है, 3 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, तो ऐसे में आपके लिए ये जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जो भी आपकी छोटी छोटी विंस होती है उसको आप सेलिब्रेट करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो, 100% कमिटेड रख सकते हो। जैसे अगर किसी ने टारगेट सेट किया है कि मेरे को 42 किलोमीटर की मैराथन रन करनी है, अब 42 किलोमीटर की मैराथन की जो कैपेसिटी है या जो टारगेट है वो ओवरनाइट तो अचीव कर नहीं सकता। कोई भी आप बड़ा टारगेट सेट करते हो वो आप ओवरनाइट तो अचीव कर नहीं सकते, उसका एक प्रोसेस होता है, राइट? उसको आपको छोटे छोटे टारगेट्स में बांटना पड़ता है, ठीक है? और उसको छोटे छोटे टारगेट अचीव करके आप बड़े टारगेट पे पहुंच सकते हो। अगर किसी ने सोचा कि मुझे 42 किलोमीटर की मैराथन रन करनी है और उस पे अगर वो स्टार्ट करता है, वो काम करना है, अगर वो देखता है कि 1 वीक के बाद कि अभी तक तो मैं 3 किलोमीटर ही दौड़ पा रहा हूँ, ओके, तो अगर वो अपना टारगेट सिर्फ 42 पे रखेगा तो उसको लगेगा कि अभी तो मैं 10 दिन में सिर्फ 3 किलोमीटर की कैपेसिटी बिल्ड कर पाया, तो मैं 42 तक कैसे पहुंचूंगा। तो अगर वो सीधा टारगेट 42 पे रखेगा तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना, क्योंकि वो डिस्करेज होता जाएगा। इससे अच्छा क्या होता है कि आप अपने जो टारगेट है उसको छोटे छोटे टारगेट में बांटो, और जो भी आपको छोटी छोटे विंस मिलते हैं, जो भी छोटी छोटी सफलता मिलती है, उसको सेलिब्रेट करना शुरू करो। अगर आप एक दिन 1 किलोमीटर दौड़े और उसके 10 दिन बाद अगर आप 3 किलोमीटर की कैपेसिटी भी बिल्ड कर पा रहे हो, देन सेलिब्रेट दैट, क्योंकि यू आर वन स्टेप क्लोजर टू योर विक्ट्री। 1 से आपकी कैपेसिटी 3 तो हुई, 3 से आगे 5, 5 से 10, 10 से 20, इट इज जस्ट अ प्रोसेस। क्योंकि जब आपको लॉन्ग टर्म टारगेट अचीव करना होता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस क्या होता है? व्हाट इज लॉन्ग टर्म सक्सेस? इट इज नथिंग बट द सम ऑफ स्मॉल सक्सेस। जो भी आपकी छोटी 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 सक्सेस होती है वो मिला के ही तो एक लार्जर सक्सेस बनती है। तो उन छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना सीखो। इससे क्या होगा कि जब आप छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करोगे ना, तो आपको लगेगा कि जब मैं ये अचीव कर सकता हूँ, आई एम वन स्टेप क्लोजर टू माई बिगर टारगेट। तो उससे आपका मोटिवेशन रहेगा आगे के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जैसे मैंने बोला, बिग गोल्स होते हैं वो कभी भी ओवरनाइट नहीं होते हैं, इट्स अ प्रोसेस, एंड सक्सेस इज व्हाट, इट्स अ सीरीज ऑफ स्मॉल विंस। तो जैसा यहाँ पे है, आपको टॉप पे पहुंचना है तो उसके लिए आपको छोटे छोटे टारगेट अचीव करने बहुत जरूरी है। और जब आप छोटे छोटे टारगेट अचीव करोगे और अपने आप को अकम्प्लिश महसूस करोगे, सेलिब्रेट करोगे, तभी आप उतना मोटिवेशन रख पाओगे ताकि आप टॉप तक पहुंच जाओ। सो स्मॉल विंस कीप यू मोटिवेटेड फॉर द बिग गोल्स। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कमिटेड रहना है 100%, सो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर स्मॉल विंस ऑल्सो, ताकि आप उनके लिए बिग गोल्स के लिए पॉजिटिव रह पाओ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ट्रैक योर प्रोग्रेस। देखो, लॉन्ग टर्म जब भी आप गोल सेट करते हो, तो जैसा मैंने बोला, जब भी लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं तो उसमें हमारा डिविएट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने बोला, जब भी आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स हो उनको आप शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं उनमें कन्वर्ट करो, शॉर्ट टर्म माइलस्टोन बनाओ।
और जब शॉर्ट टर्म माइलस्टोन बनाते हो तो आपको ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करोगे तब तक आप ये नहीं देख सकते कि आप किस दिशा में जा रहे हो, वेदर यू आर इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। और जब आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो तो उसमें दो चीज होती है, पहला आप अपने गोल्स को वापस जाके देखते हो कि व्हाट वाज माय गोल और मेरे क्या क्या माइलस्टोन्स थे, मेरे क्या क्या टारगेट थे शॉर्ट टर्म, तो आपकी माइंड को वो गोल्स को वापस रिमाइंड होता है। पहली चीज तो ये होती है कि आपके माइंड को वो गोल्स वापस रिमाइंड हो जाते हैं कि मेरे को क्या अचीव करना है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। और दूसरा जब आप अपनी प्रोग्रेस देखते हो, अगर इट्स अ पॉजिटिव प्रोग्रेस तो आपके दिमाग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि यू हैव अचीव दिस सो यू कैन अचीव बिट मोर। तो अगर पॉजिटिव प्रोग्रेस है तो बहुत ही अच्छा है, आपके दिमाग को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, यू विल फील मोर एंथुजियाज्म, यू विल फील मोर पॉजिटिविटी, ओके। बट अगर आपकी प्रोग्रेस अनसेटिस्फैक्ट्री है देन इट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि आपको टाइम रहते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको पता चल गया कि अभी मेरी प्रोग्रेस उतनी नहीं हो रही है, सो देन यू कैन टेक अ करेक्टिव एक्शन। तो जो भी आपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए हैं उनको आपको कंटिन्यूअस रिव्यू करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना पड़ेगा, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव प्रोग्रेस है, सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस है, इट्स वेल एंड गुड, यू विल फील मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर बिग टारगेट। अगर नहीं है देन आपको समय रहते पता चल जाएगी व्हाट करेक्टिव एक्शन यू नीड टू टेक। तो अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जब आप प्रोग्रेस ट्रैक करोगे तभी आप अपने गोल्स के लिए 100% कमिटेड रह सकते हो। एंड फिफ्थ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टे स्ट्रॉन्ग व्हेन इट्स टफ। जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हो तो उस गोल्स को अचीव करने के प्रोसेस में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, समटाइम यू नीड टू फेस फियर। तो जब ऐसे सिचुएशन आती है, जब यू आर सराउंडेड बाय फेलियर्स, फियर, प्रॉब्लम, तो ऐसे सिचुएशन में आपका स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे सिचुएशन जब भी आती है तो पहली चीज तो आपको अपने आप को रिमाइंड करानी होती है कि अबाउट योर पर्पस, कि आपने ये चीज क्यों स्टार्ट की थी। देन यू नीड टू ओपन योर डायरी वंस अगेन, जो आपने गोल्स लिखा था तो उस टाइम आपने क्या सोच के वो गोल लिखा था, उस टाइम आपको क्या सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट चाहिए था, आपको अपने आप को वो रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अपने गोल्स कॉन्स्टेंटली रिव्यू करो ताकि आपको वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट या गोल की जो आपका पर्पस था वो आपके दिमाग में रिफ्रेश होता रहे। तो जब भी आप ऐसी टफ सिचुएशन फेस करते हो कि वेयर आपको फेलियर्स होते हैं या आपको फियर होता है या आपको कोई चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अपने आपको सबसे पहले तो रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट दैट गोल और द पर्पस व्हाई यू स्टार्टेड, वो बहुत ही जरूरी है। और फेलियर से कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, फेलियर इज नॉट अ फेलियर, ओके। जब तक यू डोंट गिव अप इट्स नॉट अ फेलियर, फेलियर इज नॉट अ फेलियर अंटिल यू ट्राई अगेन, बट जब यू स्टॉप ट्राइंग देन इट्स अ फेलियर। अगर आप ट्राई करते रहते हो देन इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ओके। तो ऐसी टफ सिचुएशन में पहली चीज तो आपको करनी है, यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट योर इनिशियल गोल, द पर्पस व्हाई यू स्टार्टेड, एंड फेलियर से कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। सक्सेस की रोड कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है, इट्स ऑल थ्रू द फेलियर। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं बट वो कभी भी डायरेक्ट सक्सेसफुल नहीं बने, दे ऑल्सो फेस्ड फेलियर्स। सो फेलियर इज नथिंग बट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस, ओके। टफ सिचुएशन, जब आप टफ सिचुएशन में होते हो तभी आप जब उसको फेस करके आगे बढ़ते हो देन यू बिकम स्ट्रॉन्गर, एंड फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फेल, डोंट फेस टू स्टार्ट ओवर अगेन, जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट ओवर। दैट्स हाउ बिग पीपल अचीव देयर ड्रीम, दैट्स हाउ पीपल बिकम सक्सेसफुल। और जो टफ टाइम्स है, जो चैलेंजेस है, दे विल नॉट लास्ट लॉन्गर, but if you are tough you will last longer, so always remember this। Thomas Edison को तो आप जानते ही हैं, तो उन्होंने कितने सारे फेलियर फेस किए थे, उसके बाद उन्होंने फाइनली जो उनका ड्रीम था वो उन्होंने अचीव किया। सो किसी भी कैसी भी सिचुएशन हो, वी शुड नेवर 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 गिव अप, वी शुड ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग एंड नेवर गिव अप, क्योंकि वी आर जस्ट वन। जब भी आपको ऐसा मन में लगे कि आई एम टायर्ड, आई एम
जब आपको गिविंग अप करने का लगे, जस्ट थिंक दैट यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम योर विक्ट्री, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम योर सक्सेस. सो नेवर एवर गिव अप, स्टे स्ट्रॉन्ग इन द टफेस्ट सिचुएशन. ओके, तो अगर आप ये पांचों चीजों को फॉलो करते हो तो आई एम श्योर यू विल अचीव द ग्रेटेस्ट सक्सेस इन योर लाइफ. तो वो पांचों चीजें एक बार आपको वापस बताता हूँ. सबसे पहले, अगर आपको अपने गोल्स के प्रति 100% कमिटेड रहना है, तो सबसे पहला तो आपको उसको राइट इट डाउन इन अ जर्नल, और उस जर्नल को हमेशा अपने पास रखो, रिविजिट करते रहो, ताकि अपने आप को रिमाइंड कराते रहो अपने गोल्स का. गोल्स लिखो, उसका प्लान ऑफ एक्शन लिखो, शॉर्ट टर्म टारगेट लॉन्ग टर्म टारगेट दोनों लिखो. चेंज योर एनवायरनमेंट, अपने आसपास के सराउंडिंग पीपल को चेंज करो, राइट लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप जस्ट हैंग आउट. ओके, और अपने गोल्स को हमेशा अपने सामने रखो, ऐसी इमेजेस को सामने रखो जो आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देती हैं. अपनी छोटी छोटी विंस को, छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो, विच गिव्स यू मोर मोटिवेशन टू अचीव बिग. और ऑलवेज ट्रैक योर प्रोग्रेस, गो बैक टू योर डायरी, चेक व्हाट वाज योर शॉर्ट टर्म टारगेट, व्हाट इज योर करंट स्टेटस नाउ, विच विल गिव यू अ पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स योर बिग टारगेट. और जब भी यू आर इन टफ सिचुएशन, जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, जस्ट ऐसा सोचो कि यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम योर विक्ट्री. और रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज थ्रू फेलियर, सो नेवर 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 एवर गिव अप. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. ओके, और आई रियली होप कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी. सो स्टे डिटरमाइंड, स्टे पॉजिटिव. थैंक यू.